करो कि 5 साल पहले एक नारा लेकर आप चले थे कि किसान की आय दुगनी कर देंगे, पर 5 साल के अंदर किसान की आय तो दुगनी नहीं हुई। अभी मैं प्रधान जी से बबली जी से पूछ रहा था, थाना में दीरी आ गई, कहते मंडी भर चुकी है। मगर दीरी की प्रत्यास कहा है, प्रतिबंध लगा दिया कि एक किसान से इतने से ज्यादा दीरी नहीं खरीदी जाएगी सरकारी भाव। क्या ये किसान की आय दुगनी करने का फॉर्मूला है? क्या 200 रुपए आपकी केंद्र में सरकार बनते डीएपी बढ़ा दी, क्या ये किसान की आय दुगनी करने का फॉर्मूला है? 2-2 साल से फसल बीमा का प्रीमियम भरने के बावजूद भी उसका पैसा जब किसान को नहीं मिलता, क्या ये फसल दुगनी करने का आपका फॉर्मूला है? साथियों, दुख होता है, एफिडेविट भरते इनके मंत्रियों को मैंने देखा, और हैरानी की बात है एग्रीकल्चर मिनिस्टर जिसको ये पाखंड के माध्यम से बड़े बड़े अवार्ड के अंदर से दिलवाना है कि सबसे अच्छा एग्रीकल्चर मिनिस्टर है, उस एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने किसान की आय दुगनी नहीं करी। और रिकॉर्ड कहता हूँ, धनखड़ जी का एफिडेविट उठा के 5 साल पुराना देख लो और अब का देख लो, धनखड़ जी की खुद की आय 5 गुना होगी, 5 गुना। कोई पूछने का काम करे, फॉर्मूला हमें बता दो, इस फतेहाबाद की जनता को बता दो, किसी का भला तो आप कर जाओ। आपके वित्त मंत्री की तनख्वाह इनकम जो थी उसके एफिडेविट में वो 2.5 से 3 गुना हो चुकी। ऐसा कोई विधानसभा का इनका कैंडिडेट नहीं है जिसकी 5 साल में आय दुगनी ना हुई। और फिर कहते हैं किसान की आय दुगनी करने का फॉर्मूला हम लेकर आए। साथियों, फतेहाबाद आते हैं तो दुख होता है देखते कि अपनी इस बेल्ट में जहाँ पहले स्पोर्ट्स थे, युवा के लिए अच्छे अवसर थे, आज इस खट्टर की सरकार ने 5 साल पहले वादा किया था हरियाणा को नशा मुक्त बनाएंगे। इधर पूछने का काम करो, 5 साल में नशा क्यों बढ़ा इस प्रदेश के अंदर? गांव गांव में ठेके खोलने का काम कर दिए, आज ऐसी हालात कर दी, चाहे चिट्टा हो चाहे हीरोइन हो, आज घर घर तक पहुंचाने की व्यवस्था इन्हीं की पार्टी के लोग कर रहे हैं, इनके संगठन के लोग कर रहे हैं। और ऑन रिकॉर्ड ये आरोप मैं भी लगाता, इन्हीं से जुड़े लोगों के लगाए गए आरोप। पुलिस प्रशासन जब सख्त होती है तो इनके मंत्री आकर पुलिस प्रशासन को ट्रांसफर करने का काम करते हैं। साथियों, आप खुद बताओ कि क्या हमारे फतेहाबाद जिले में 150 से ऊपर केसेस सिर्फ चिट्टे की वजह से एड्स के नए ना पैदा हो? क्या इनकी सरकार ने घर घर जाकर नशा बिकवाना शुरू ना किया? 5 साल पहले खट्टर साहब आपने एक वादा किया था हरियाणा की जनता को कि हरियाणा प्रदेश के अंदर करोड़ों का निवेश लाने का काम करेंगे। साथियों, मैं तो आपसे पूछता हूं, कहां गया 125 करोड़ जो हैपनिंग हरियाणा से आना था? कहां गया 70,000 करोड़ जो चाइना की मोंडो कंपनी का आना था? कहां गया 26,000 करोड़ जो अमेरिका की कंपनियों का आना था? कहां गया 10,000 करोड़ रुपया जो सिंगापुर से आना था? कहां गया 12,000 करोड़ रुपया जो दुबई से आना था? सरकारी खर्चे में मजे लूट कर खट्टर साहब जरूर विदेशों में घूम कर आए, पर 5 साल में खट्टर साहब ने 1 रुपया हरियाणा प्रदेश में लाने का काम नहीं। साथियों, तो रिकॉर्ड बताता है कि खट्टर साहब मुख्यमंत्री बने तो 350 Fortune 500 कंपनी हरियाणा प्रदेश में थी, और खट्टर साहब जब मुख्यमंत्री पद से दोबारा चुनाव में उतरे तो 350 की 250 कंपनी हरियाणा में। युवा साथियों, समझने की बात है कि आपके भविष्य के साथ किस तरीके से खिलवाड़ किया जा रहा है। आज डॉक्टर साहब को हमने उम्मीदवार बनाया, पेशे से डॉक्टर है, इनसे जब मैंने चर्चा करी कि सरकारी अस्पतालों की हालात क्या है तो मुझे वो वाक्य याद आ गया कि फतेहाबाद के सिविल अस्पताल के अंदर लाखों रुपए केवल मात्र दर्द परचेजेज में इन लोगों ने खर्च कर, इनके विधानसभा में माना घोटाला हुआ, उसकी 2 इंक्वायरियां चली, एक फतेहाबाद की एक रिवाड़ी की, आज तक इंक्वायरी की रिपोर्ट नहीं आई। एसडीएम फतेहाबाद के हाथ में रिपोर्ट है, मगर हिम्मत नहीं है सरकार की परमिशन बिना किसी डॉक्टर को, किसी अफसर को, किसी आला अधिकारी को उसके अंदर चार्जशीट करने की परमिशन सरकार दे। साथियों, दुख होता है, आज हमारे पास एक ऐसा सिविल हॉस्पिटल नहीं है जिसके अंदर MRI, CT scan जैसी बेसिक फैसिलिटी की आज मशीनरी हम उपलब्ध करा। आज हम रतिया की बात करते हैं, हेपेटाइटिस सी कैंसर जैसी बीमारियां घर घर तक पहुंच चुकी काला पीलिया। आज फतेहाबाद की मशीन जो PDI रोड तक भेज दी गई थी,
पांच साल में खट्टर साहब आप उसको वापस रुपया लाने का दम नहीं दिखाता। साथियों अब आपको सोचना है, ये समझना है कि प्रदेश के अंदर बदलाव हम कैसे लेकर आएंगे। और प्रदेश में बदलाव जब आएगा, जब खड़े होकर अपनी ताकत को दिखाने का काम करोगे, और ताकत तभी आएगी जब एक होकर मजबूती के साथ इस चुनाव को लड़ने का काम करोगे। मैं तो रुकने वाला नहीं, ना रुकने वाले निशांत सिंह जी, हम तो पूरे हरियाणा का दौरा करेंगे, पर फतेहबाद को संभालने की जिम्मेवारी के लिए डॉक्टर श्रीवास की नहीं, ये जिम्मेवारी आप सबकी है। मैं तो इतना बोल सकता हूँ डॉक्टर जयसिंह चौटाला जी जेल के अंदर है, ये साथियों आपकी जिम्मेवारी है। डॉक्टर शिवाज के रूप में डॉक्टर अजय सिंह चौटाला समझ कर एक एक वक्त डॉक्टर शिवाज को बुलाने का आपने कहा था। और जिस दिन आप मैदान में उतर के घर घर चले गए, मेरे को अभी बता रहे थे कि गोरखपुर गांव लगभग एकजुट हो चुका, एक मन बना लिया गोरखपुर की जनता, अकेले गोरखपुर से काम नहीं चलेगा। मैं तो सरपंच शाह अमरपाल जी बैठे हैं, मैं तो आपसे भी आग्रह करूँ, विजेंद्र साहु जी बैठे हैं, मैं आपसे भी आग्रह करूंगा, सुरेंद्र लेगा जी बैठे हैं हमारे जिला के अध्यक्ष बहुत ही कर्मठ, मैं उनसे आग्रह करूंगा, हमारे बत्रा जी सबसे सीनियर वो शहर के आदमी बैठे हैं, मैं आपसे भी आग्रह करूंगा, अपने अपना जिम्मेवारी के साथ इलाका संभालो, घर घर जाओ, एक एक वोट को जोड़ने का काम करो। और ये विश्वास रख लेना, आज कह रहे हैं कि कूड़ा राम बीजेपी से आ गया, प्रहलाद सिंह खेड़ा कांग्रेस से आ गया, अगर ये जो फौज चौधरी देवीलाल की यहाँ बैठी है, ये मैदान में उतर गई, इसने मोर्चा संभाल लिया, ये दूरा राम और प्रहलाद सिंह एक होकर भी चुनाव लड़ेंगे तो उन्हें डॉक्टर शिवाज एक तरफा बहुमत से फतेहबाद के विधायक चुनकर विधानसभा में जाने का काम करेंगे। साथियों मेरी तो विनती प्रार्थना आपसे कि अब समय आ चुका प्रदेश की स्थिति को समझने का काम करें। पांच साल में अपराध की क्या हालत बढ़ गई, हर रोज हमारे प्रदेश में एक मर्डर, तीन रेप, चार डकैती होते हैं। आज तो ये हालात है कि शहर के अंदर व्यापारी दुकान में सुरक्षित नहीं है, महिला घर में सुरक्षित नहीं है, किसान खेत में सुरक्षित नहीं है। और एक महीना पहले गुड़गांव के अंदर थाने में जाकर पुलिस वाले पे गोली चला दी, थानेदार थाने में सुरक्षित नहीं है। क्या ये हरियाणा प्रदेश के आपको हालात की, जहाँ ड्रग्स ने अपनी एक नई पकड़ बना ली, अपराध ने अपनी नई पकड़ बना ली, और एक तरह का और खतरा हरियाणा प्रदेश के किसान के ऊपर, कोई सा बोल रहा है कौन हटे बैठा, सारा तंग है। और एक चीज पूछ लो, खागड़ा तंग हो कौन हो, आज खेत में पानी देने कम जाओ और खागड़ा और रखवाली करने ज्यादा जाओ, सच्चाई है कौन है, एक बात तो मैं करके जाऊ राज बना दो, आप गुंडाऊ और खागड़ाऊ प्रदेश ने पूरी तौर पर मुक्ति पाई। साथियों एक निवेदन आपसे कि पार्टी ने 11 घोषणाएं, जब पार्टी का निर्माण हुआ तब थे, और 6 मुख्य घोषणाएं चौधरी देवीलाल जी के सम्मान दिवस पर रोहतक के अंदर करने का काम किया। अब आपकी जिम्मेवारी है एक एक घोषणा को घर घर तक पहुंचाओ। सबसे पहली और प्रमुख घोषणा मेरे युवा साथियों के लिए, देखो युवा होने के नाते मेरी जिम्मेवारी बनती है इनके अधिकारों को सुरक्षित करने का काम करो। साथियों गुड़गांव में 17 लाख नौकरी है, 17 लाख नौकरियों में आपकी हिस्सेदारी है 3-3.5 लाख। आज आप चले जाओ बायोडाटा लेके गुड़गांव की कंपनी पर, कोई नौकरी देने के आपके सक्षम नहीं है, कोशिश करी जाती है कि आप लोगों को नौकरियों से दूर किया जाए, मगर ये वादा मैं करता हूँ, ये खट्टर साहब कहते हैं ना बिना पर्ची बिना खर्ची, 2.5 लाख में नायब तहसीलदार का पेपर रेवाड़ी में लीक हुआ, बिकता हुआ पकड़ा गया, 6 लोग आप जेल के अंदर। आपने खुद देखा कि इस खट्टर साहब की सरकार में जुडिशरी का पेपर अम्बाड़ा से पकड़ा गया, 1 करोड़ में बिकता हुआ, सुप्रीम कोर्ट के अंदर उसकी इंक्वायरी चल रही है। साथियों आज गुड़गांव नगर निगम की रिपोर्ट है, कोई भी डीसी रेट की सिफारिश बिना नौकरी नहीं दी गई, 120 पन्नों के अंदर इनकी सरकार निर्माण। ग्रुप डी के अंदर हमारे पढ़े लिखे एमसीए एमटेक करे हुए बच्चों को आज 4th क्लास की नौकरी लगाया, किस नौकरी पे, पानी पिलाने वाले चपरासी। साथ ही मेरे पास एक छोरा आया सिरसा के अंदर वेटनरी विभाग में चपरासी लग कर गया, कहता भाई साहब एमसीए करी, लाखों रुपए माँ बाप ने पढ़ाई पर खर्चे, पर खट्टर साहब ने मजबूर कर दिया, नौकरी और कोई तो निकाली नहीं, तो ग्रुप डी में आकर भर्ती उड़ा, और 17,000 की भी दी। आज स्पोर्ट्स कोटे वाले साथियों से पूछो, अक्रेडिटेशन के नाम पर उनको भी आज बाहर छोड़ने का काम कर दिया। साथियों
इनने तो बेईमाना किया और पूरी तौर पर हरियाणा के भविष्य के साथ बेईमाना किया। एसटीओ इलेक्ट्रिकल 80 पोस्टों में हरियाणा के दो साथियों, हमारा बीटेक करा हुआ बच्चा आज फोर्थ क्लास नौकरी कर रहा है और गुजरात का बीटेक करा हुआ बच्चा आज एसटीओ इलेक्ट्रिकल हरियाणा में लग रहा है। ये भेदभाव नहीं चलेगा और इसलिए आपकी पार्टी का पहला वादा है कि राज बनने पर सरकारी हो, गैर सरकारी हो, प्राइवेट हो, कोई भी नौकरी हो, राज बनने पर हर नौकरी में 75% हिस्सेदारी हरियाणा के मूल निवासियों के हक में। ना हमारे दलितों के मान सम्मान की बात है। साथियों बूढ़े बैठे चौधरी देवीलाल जी 100-100 रुपए देकर गए थे, इस सोच के साथ